और आप लोग कमेंट करते हैं कि छत का क्यों प्लास्टर नहीं कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं साइंस वाला शंकर स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, छत में सूखने के लिए दिए हुए थे हम लोग गेहूँ, तो अभी उठा रहे हैं। पूरा एकदम धो दिए थे और सूखने के लिए दिए हुए थे, तो पूरा एकदम सूख गया है। अब इसको पिसवाने के लिए ले जाएंगे, है ना? हाँ। चलिए उठाइए। हाँ, उठाता है, झंडा पूजा को तैयारी है। हाँ, अच्छा, 17 तारीख को झंडा पूजा है। हाँ, अच्छा, बजरंग बली का। हाँ, अच्छा, बढ़िया से धोए धा कर और सुखा लिए हैं, और इसको पिसा करके प्रसादी बनाओ। हाँ, आटा का प्रसादी बनाएंगे। हाँ। चलिए उठाइए, इसको मिल घर ले जाएंगे। हाँ। रोटी भी बनाएंगे, प्रसाद भी बनेगा। मोटा में मिला हुआ है, ये सरकारी गेहूँ है। और काफी ज्यादा धूप भी उगा हुआ है आज, बहुत ही ज्यादा धूप लग रहा है, इसीलिए दे दिए थे सूखने के लिए गेहूं को धो करके। मौसम साफ किया हुआ था ना, जमा कर दिए वो साइड, तो अभी माँ उठा रही है। चलिए डालिए झोली में। हाँ, जमा करके उठा रहे हैं, बहुत धूप लगता है, धूप लगता है। हाँ, धीपा हुआ तो है, इधर भी जमा कर दिए। चलिए सब भरिए, और इधर झाड़ू है छोटा सा। हाँ, झाड़ू है। इधर झाड़ू मार करके उठाना होगा। हवा भी बह रहा है, इसीलिए ज्यादा धूप नहीं लग रहा है, नहीं तो छत में रह नहीं पाते। और अभी दोपहर का समय भी हो रहा है ना, इसीलिए ज्यादा धूप नहीं लग रहा है, नहीं तो 12-1 बजे पूरा धूप लगता है, बहुत ही ज्यादा। सब उठा उठा करके डालिए झोली में। पूरा जमा कर लिए। थोड़ा सा बच गया तो सूप लेकर के आना होगा, नहीं उठ रहा है, और यहाँ पे सब भर दिए। चलिए लेकर के आते हैं, सूप ले लिए, अब चलिए लेकर के चलते हैं ऊपर। आगे लीजिए, उठाई। सब उठ गया, थोड़ा सा हटा लीजिए। हाँ। कंकड़ी सब होगा, साफ कर लीजिए। सबके साफ कर दिए, पथरी पथरी को आप डालते हैं। डालिए। हाँ। साफ हो, फ्रेश हो गया। हाँ, फ्रेश हो गया। अब चलिए लेकर के चलते हैं। हाँ, चलो लेकर के आ गए नीच, इधर रख देते हैं, ये रख दिए। अब ये जाना होगा मिल घर, बाद में जाएंगे। और इधर जितना भी था बालू सब ले गए, बस ये थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, ये नहीं उठता था इसीलिए छोड़ दिए। वाला प्लास्टिक के साथ मिला हुआ है, और मिट्टी भी कुछ मिला हुआ है, इसीलिए नहीं उठाए। और इधर जितना भी था सब ले गए घर का अंदर, सब घुसा दिए, और कुछ को ऊपर भी ले गए हैं, ऊपर में रख दिए हैं, क्योंकि वो कॉलम को ढलाई करना है, इसीलिए ऊपर में भी कुछ को रख दिए। और सीमेंट भी कुछ बचा हुआ है, तो इसीलिए उसको पूरा खपत कर देना है। तो इधर जितना भी बालू वगैरह था सबको ले गए, और ये आप प्लास्टिक को भी उठा देंगे, और फिर यहाँ पे मिट्टी भरेंगे। इधर पूरा एकदम मिट्टी भर देंगे, ये साइड पूरा एकदम गड्ढा है, इधर पूरा भरेंगे, और यहीं पे बनेगा टेंट। इधर किचन बनेगा, और इधर खाने के लिए बनेगा, इधर खाएंगे बैठ करके। पूरा ये गड्ढा को भरना होगा, तब जा करके टेंट बनेगा,
तो बात करना होगा ट्रैक्टर वाले से, जेसीबी वाले से, इन लोग कब अब समय देंगे। तो आज जाएंगे और बात करके आएंगे, और वो सबको भी हटाना होगा, उधर जितना लकड़ी है सबको हटा देंगे। पहले बात करके आते हैं और फिर हटाएंगे, वो क्या बोलेंगे अब ट्रैक्टर वाले और जेसीबी वाले। और यहाँ पे सब अभी रखा हुआ है, चूना और पेंट रोलर ये सब रखा हुआ है, आज नहीं किए, कलर ये सब करेंगे बाद में करेंगे। अभी चलेंगे थोड़ा वहाँ जेसीबी वाले ट्रैक्टर के पास, और ये सब को पूरा एकदम झाड़ू से पहले साफ कर लेंगे, फिर पोचोड़ा करेंगे, ऐसे में कलर पूरा अच्छा रहेगा, साफ दिखेगा। और शाम का नज़ारा देखिए कुछ इस प्रकार है, पूरा एकदम शाम हो गया, अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। और अभी सभी कोई जा रहे हैं घर की ओर, काफ़ी मस्त। और अभी पापा लेकर के जा रहे हैं रड, ये देखिए कोलम को ढालना है। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं जेसीबी बात करने और ट्रैक्टर, ठीक है ना? ठीक, चलिए। और जेसीबी वाले के घर आए हुए थे लेकिन वो तो नहीं है, ये भैया बोल रहे हैं, ये भाई वो यहाँ नहीं है ना जी, किधर गए? उधर चल गए बोल रहे हैं, चलिए काम पे गया हुआ है। हाँ, काम पे चल गया है, अब कॉल से बात करना होगा, है ना भती? हाँ, चलिए। उधर कुछ बच्चे हैं तो उन लोग हंस रहे हैं। और अभी भतीज बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक दो घंटा चलेगा, रूम ना है ऐसी गाढ़ा बात है, दो घंटा का होगा जी, दो घंटा तो हाँ। आए ना, मतलब दूर ट्रैक्टर में धोई ले गए, अंते को आते ट्रैक्टर भी जाते। हाँ, कब कब? कल कल आए नहीं, कल कल भी आने कहीं आवे चले तो सामने बात है, वही चले फोन में बात है रला। कहीं तोर घर वापस आए? तो घर वाला आए, बात कर लिए, बोले कि कल आएंगे भतीज, तो चलिए है ना, चलिए कल, मतलब खाना वाना खा के आएंगे बोले। हाँ, तो सब जुगाड़ करके रखेंगे ट्रैक्टर ये सब। हाँ हाँ, चलिए चलिए। घर हम लोग पहुँच गए और ट्रैक्टर हाँ। वाले को भी बोल दिए, सुबह में वो कॉल करेंगे जेसीबी वाले कि हम निकल रहे हैं, तो फिर हम ट्रैक्टर वाले को भी बोल देंगे, क्या भतीज? हाँ, कॉल करके सबसे नंबर ले लिए हैं। हाँ। और आप लोग कमेंट करते हैं कि छत का क्यों प्लास्टर नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों भतीज का कुछ काम है। हाँ हाँ, अभी बिजी में है इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ, पूरा भी भतीज बिजी में है, बहुत ही दिन से बोल रहे हैं भतीज को, उधर एक तो नल को थोड़ा सा वहाँ पनंग करना है, लेकिन भतीज समय नहीं दे रहे हैं। हाँ, इधर तो फिलहाल में महुआ हुआ का सीजन था। हाँ, और अब घर का भी अपना थोड़ा, हाँ घर में भी अभी काम चल रहा है भतीज का, और इधर पतल उतल बिछा रहे हैं, और इधर इनका शादी भी, हाँ शादी भी नजदीक है, और बहुत ही सारा खर्च भी वहाँ हो रहा है। हाँ, इसीलिए बाद में ही करेंगे, है ना, आराम से। हाँ, शादी अब बीत जाने के बाद ही होगा। हाँ, सब होगा, सब होगा। तो आप लोग को बता दें कि अभी क्यों नहीं प्लास्टर कर रहे हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय बाय।